जय हिंद दोस्तों, साइंस और बॉर्नविटा के मैन्युफैक्चरर का ये मानना है कि 80% ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। इसके बाद बाकी का 20% विकास अगले 20 साल तक होता रहता है, जिसके बाद 25 साल की उम्र के बाद हमारा ब्रेन और नहीं डेवलप होता। शायद यही कारण है कि दुनिया भर का एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि 80% लोग अपनी पढ़ाई 22 से 25 साल की उम्र तक पूरी कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारा ब्रेन 25 साल की उम्र के बाद आगे विकसित नहीं हो सकता? क्या हम अपनी ब्रेन की पावर 25 साल की उम्र के बाद नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या हमारा IQ जो 25 साल की उम्र पे था वो पूरी जिंदगी वही रहेगा? इसका जवाब है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हमारी दुनिया के कई साइंटिस्ट शायद साइंटिस्ट नहीं हो पाते। इंसान का दिमाग उसके पूरे जीवन भर विकसित हो सकता है, शायद उतनी फुर्ती से नहीं जितना वो बचपन में हो रहा होता है, लेकिन होता जरूर है। और 25 साल की उम्र के बाद कितनी फुर्ती से आपका ब्रेन विकसित होता है और आपका IQ कितना बढ़ता या घटता है, ये भी आपके हाथ में होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 9 ऐसे विज्ञान द्वारा साबित किए टेक्निक्स जिससे एक इंसान अपना ब्रेन पावर और अपना IQ बढ़ा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आप भी जान सकें कि स्टीफन हॉकिंस और टेरेंस डाउ जैसे विद्वान की शक्ति का राज क्या है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफी लोगों के पास पहुंचे। तो ब्रेन पावर बढ़ाने का पहला राज है नींद। जिस प्रकार आप किसी मशीन को बहुत देर तक चलता हुआ छोड़ देंगे तो वो ओवरहीट हो जाएगी और फिर खराब भी हो सकती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी पूरे दिन श्रम करने के बाद आराम चाहिए होता है। एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रिसर्च और स्टडीज में पाया गया है कि नींद ना पूरी होने से दिमाग में चीजों को याद रखने की क्षमता कम होने लगती है। लेकिन नींद के साथ मेमोरी का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जब हम रात को सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन में हुए सारी घटनाओं को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पर ऑर्गेनाइज करता है। नींद ना पूरी होने का सबसे ज्यादा असर दिमाग के हिप्पोकैम्पस पे होता है, जो कि इंसान के लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित होता है, जिसकी वजह से आपको डेलिसिया, अल्जाइमर डिसीज इत्यादि जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तंदुरुस्त रहे और चीजों को याद रखने में अव्वल रहे, तो फिर कभी भी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। दूसरा राज है स्ट्रेस ना लेना। किसी भी तरह का तनाव आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप हमेशा ज्यादा टेंशन लेते हैं या फिर स्ट्रेस में रहते हैं या फिर खुद को रिलैक्स करने का मौका नहीं देते हैं, तो भी ये आपके दिमाग को हानि पहुंचाता है। स्ट्रेस आपके दिमाग के सेल्स को नष्ट कर सकता है। दुनिया के हर मानसिक रोगी के पीछे स्ट्रेस का ही हाथ होता है, इसीलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें। समय पर सोइए, भूखे मत रहिए और हंसने के मौके ढूंढिए और खुश रहना सीखिए। एक खुश इंसान ही बुद्धिमान हो सकता है। तीसरा राज है पानी। पानी वो अमृत होता है जो कि दुनिया की लगभग हर रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। इंसान का शरीर 60% पानी से बना होता है और इंसान का दिमाग 80% पानी से बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी पीते रहना हमारे दिमाग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपने गौर किया होगा कि जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन का सीधा प्रभाव दिमाग पे होता है। शरीर में पानी की कमी होने के कारण कॉन्सेंट्रेशन और अलर्टनेस में कमी आती है। अगर शरीर का पानी सिर्फ 2% से भी कम होता है तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करने लगता है। इसीलिए पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपका दिमाग हमेशा तेज चलता रहे। चौथा राज है सही खान पान। किसी महापुरुष ने कहा है, हेल्दी मन प्रिजर्व्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक तंदुरुस्त दिमाग सिर्फ एक तंदुरुस्त शरीर में ही रह सकता है। और अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान पान बहुत आवश्यक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B, D और E इत्यादि जैसे न्यूट्रिएंट्स दिमाग के एजिंग प्रोसेस को धीमा करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और मेमोरी भी तेज करते हैं। आपको खासकर शुगर, वो भी प्रोसेस शुगर जो कि डोनट्स, चॉकलेट इत्यादि में पाया जाता है, उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपके डाइट में अत्यधिक प्रोसेस्ड शुगर है तो फिर आपका दिमाग धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि अत्यधिक शुगर आपकी नई चीजें जानने की और याद करने की क्षमता, कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता कम करता है। इसीलिए जंक फूड को टाटा बाय बाय बोलिए। एक स्वस्थ बैलेंस डाइट अपनाइए और अपना IQ बढ़ाइए। पांचवा राज है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज एक सुंदर और स्वस्थ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि एक तेज दिमाग के लिए भी आवश्यक है। अगर आप 20 मिनट फ्री हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको और आपके दिमाग को बहुत लाभ होगा। एक्सरसाइज करने से आपका दिल ज्यादा खून पंप करेगा, जिसके कारण आपके दिमाग को ज्यादा खून पहुंचेगा। जब दिमाग को ज्यादा खून पहुंचेगा तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा, जिसके कारण आपका दिमाग ज्यादा तेज भी चलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। कभी भी एग्जाम के दौरान पढ़ते समय आपको कॉन्सेंट्रेट करने या फिर याद करने में दिक्कत होती है तो एक ब्रेक लीजिए और आधे घंटे के लिए बाहर जॉगिंग कराइए या फिर अपना मनपसंद खेल खेलिए। जब आप वापस आएंगे तो आप पाएंगे कि वही चीज जो आपको कुछ मिनट पहले याद नहीं हो रही थी वो झट से याद हो जाएगी। छठा राज है एक अच्छी सोशल लाइफ। जब आप दोस्त बनाते हैं या फिर दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताते हैं तो आपका दिमाग भी खुश रहता है।
दोस्ती, प्यार इत्यादि के बंधन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे कि आपका दिमाग और तेज काम करने पे मजबूर हो जाता है। यही नहीं, दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है, जिसके कारण आपका दिमाग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अकेलापन आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य है ही एक सोशल एनिमल। अगर आप अपने आप को ज्यादा देर खुद को अकेला पाते हैं और आपके बहुत दोस्त नहीं हैं, तो डिप्रेशन जैसी बीमारियों का आपको ज्यादा खतरा होता है। इसलिए बाहर जाइए, कुछ दोस्त बनाइए और फिर उनके साथ समय बिताइए, ताकि आपका दिमाग भी मिल्खा सिंह जैसा दौड़े। सातवां राज्य, अपने दिमाग को हमेशा चैलेंज करते रहना। ये चीज एक तेज दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप किसी मशीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर समय के साथ उसमें जंग लगने लगती है, उस पे धूल बैठने लगती है और फिर मकरियां अपनी चाल बनाने लगती है। यही होता है आपके दिमाग के साथ। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक वो चलेगा नहीं। इसीलिए आप अपने दिमाग को हर रोज एक नया चैलेंज दीजिए, ताकि वो हर समय चलता रहे। ब्रेन टीजर, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्विजेस इत्यादि सॉल्व करने की आदत डालिए, या तो कुछ नया सीखिए, जैसे कि एक नई भाषा या फिर कोई नई स्किल। रोज कुछ नया जानने की कोशिश करिए, अपने रूटीन में बदलाव लाते रहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे दूसरों के साथ बैठ के विचार करते रहिए। इस तरह से आपका दिमाग कभी भी जंग नहीं खाएगा, हमेशा फुर्ती से काम करता रहेगा और आपका IQ हमेशा बढ़ता रहेगा। आठवां राज्य, इमेजिनेशन। जब आप कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके दिमाग के वो हिस्से काम करते हैं जो बाकी समय बंद रहते हैं। जितनी ही बड़ी और शानदार आपकी कल्पना, उतना ही तेज आपका दिमाग बनेगा। निकोला टेस्ला जब छोटे थे और वो जब जो भी पढ़ते थे, उसका एक मानसिक चित्र अपने दिमाग में बनाते थे। यही नहीं, उनकी कल्पना इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि उन्होंने अपने दिमाग में कई इमेजिनरी दोस्त और कई इमेजिनरी जगह बना ली थी, जो कि उनके लिए इतनी ही वास्तविक थी जितनी की असल दुनिया। और वो इस आदत को क्रेडिट देते हैं अपनी सफलता का, अपनी तेज दिमाग का। इसलिए आप अपनी कल्पना को एक्सपैंड करिए, नई किताबें पढ़िए, पेंटिंग्स करिए, खुद से बिना कुछ देखे बनाने की कोशिश करिए और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करिए, जिससे आपका दिमाग भी निकोला टेस्ला जैसा हो जाए। मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण राज है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको 8 राज तो बता दिए, लेकिन इनमें से एक का भी फायदा नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो। अगर आप सच में अपना IQ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अटल रहना पड़ेगा और ऊपर दिए 8 टिप्स को बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से फॉलो करना होगा। आपको तभी लाभ दिखाई पड़ेगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। यही दिमाग हमें धरती पे मौजूद बाकी प्राणियों से अलग बनाता है, उनसे ज़्यादा बेहतर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर लम्हा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करे, तो फिर आपको उसकी देखभाल भी उसी प्रकार करनी होगी। ये वो 9 राज है जिससे आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप अपने दिमाग की शक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में और कुछ खास नहीं है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक फुर्तीला डाइट खाते हैं, पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सेहतमंद भोजन, पर्याप्त हाइड्रोजन और दिमागी एक्सरसाइज महत्वपूर्ण होती है। और असली दिमाग वही है जो अपने दिमाग के महत्व को समझ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और इसे अपने तक सीमित ना रखिए, जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। तो मिलेंगे अगले नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।